अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गॉड सीकर्स। सो गाइस, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो के साथ आई हूँ, दैट इज़ अबाउट अनबॉक्सिंग ऑफ माय ESP32 कैम मॉड्यूल, मतलब कि IoT हार्डवेयर डिवाइस मंगवाई है मैंने ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ अपने प्लांट्स को और कैटरपिलर्स को, लाइफ साइकिल को। तो इससे पहले मैंने ये सेम डिवाइस दराज से भी मंगवाई थी, लेकिन वो नहीं चली, ठीक है। एंड आई थॉट कि वो ख़राब है, सो मैंने ये DigiLock से मंगवाई है, स्टोर बेस्ड इन लाहौर। मैंने कल ही ऑर्डर की थी एंड विद इन 24 आवर्स मुझे ये रिसीव हो गई है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसी है। आई हैव गॉट 2 पीसेस, द प्रोग्रामर मॉड्यूल विद USB पोर्ट एंड ESP32 विद कैम, 2 मेगापिक्सल कैम। इसके अंदर वाईफाई मॉड्यूल भी है और ब्लूटूथ मॉड्यूल भी है, ठीक है। तो USB पोर्ट मॉड्यूल के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे एंड देन वी कैन यूज़ इट इजीली। तो ये अब मैंने इसको खोल लिया है, लेट्स कनेक्ट द बोर्ड्स। तो सुनिए गाइस, सीन ये है कि मैंने बहुत कोशिश की इस सेक्शन को खोलने के लिए ताकि मैं कैमरा बीच में एडजस्ट कर सकूं, लेकिन मेरे छोटे नेल्स की वजह से मैं इसको नहीं खोल सकी। सो वैसे ही इसको मैंने अटैच कर लिया है और वायर के साथ अब मैं ये प्लग करने लगी हूँ डिवाइस। एंड यस, लाइट टर्न्स ऑन विच मीन्स कि इसको पावर सप्लाई मिल गई है। एंड नाउ आई कैन टेस्ट इट विद माय आर्डिनो कोड। तो हियर आई एम रनिंग द कोड विच विल एक्चुअली ब्लिंक द लाइट ऑन ESP32 डिवाइस। सेम कोड जब मैंने इस डिवाइस पर रन किया है तो मुझे वही एरर मिला है जो दराज वाली डिवाइस पर रन करने पे मिला था। इट मीन्स के प्रॉब्लम डिवाइस में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे कोड में थी। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग आर्डिनो एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद द हार्डवेयर। तो आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ विद द कोड, नॉट द डिवाइस। तो अब मैं इसको फिक्स करूँगी, विल लर्न मोर अबाउट आर्डिनो एंड विल लेट यू नो इफ आई विल बी एबल टू रन दिस। थैंक यू।